नमः शिवाय। सबको माँ शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। मुझे तो दिखाओ। मेरा बच्चा अब तक आ नहीं रहा था मेरे पास, जैसे फोन देखा आ गया दौड़ के। तो आज महाशिवरात्रि भी है, वुमेन्स डे भी है, सबको वुमेन्स डे की भी हैप्पी वुमेन्स डे। और आज हम घर में शिवरात्रि की पूजा करने वाले हैं, पंडित जी आ ही रहे बस, और हम लोग तैयार होके बैठे हैं। बस चलो चलो चलो, अब तक तो आ नहीं रहा था। क्या किया, सब हम तैयारी करके बैठे हैं। आज हम कुछ खास करने वाले हैं, हम रुद्राभिषेक भी करेंगे घर पे, और हम पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं। वो किससे बनाने वाले हैं वो आपको हम दिखाते हैं थोड़ी देर। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, पंडित जी सब आ चुके हैं और अब तैयारी शुरू हो चुकी है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आज जय पिताजी की भी है। अब ये तैयारी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर शिवलिंग बनने वाला है। इतना कोई तूट व्रत कभी टूटता है, जब आपका मन खाने के लिए अंदर ही अंदर मरता हो तब वह एकादशी या तो निर्जला कोई भी उपवास टूटता है। उपवास का मतलब भी आपको बता दूं, उप यानी कि नजदीक और वास यानी कि भगवान के नजदीक। ये शरीर का जो भी आप कर रहे हो उपवास करना, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं होना चाहिए। ज्यादातर बहुत सारे लोग उपवास कर रहे थे, उसका दिमाग बहुत गर्म होता है, उसका कोई मतलब नहीं, वो उपवास का कोई मतलब नहीं होता है। उसको खाना नहीं मिलता है तो भाई हुआ बाद में बच्चे हुए दूर हट जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उपवास गिना नहीं। फोकस यहाँ पर रखना, सात बज चुके हैं, ठीक है, ध्यान यहाँ पर रखना। वो एक मैंने इसमें प्रदीप मिश्रा जी पंडित जी है, वो जो कथावाचक है, तो वो उन्होंने क्या कहा कि ये जो सब लोग अभी तक शिव जी का विवाह का करते हैं ना, जो वो आज उनका विवाह नहीं है, आज के दिन उनकी शिवलिंग का स्थापित है। हाँ, उनका वो क्या है, जब भी उद्भवित स्थान होता है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये शिवलिंग है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिवलिंग, और शिवलिंग का आकार के बारे में, वो जो नीचे जो है वो शक्ति है। यहाँ पर जब उद्भवित होता है तो उसको मिलन गिना जाता है, और सृष्टि का उद्भव उसी प्रकार से हुआ है। और मैं आपको एक दूसरा एक चीज बता दूं, यहाँ पर संपूर्ण शांति से कोई भी प्रश्न आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज आपका अधिकार है और हम जो भी उसका जवाब देंगे हमारे ड्यूटी है।
तो उसके लिए चिंता मत करो। हम लोग उससे या तो कोई किसी के प्रति और कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने ये बोला वो बोला है। आज के दिन फर्स्ट क्लास तरीके से मस्ती से पूजा करना है। रुद्राष्टाध्याय 8 अध्याय होते, 8 अध्याय में से सबसे पहला अध्याय जो होता है गणपति बप्पा का होता है। नियम के अनुसार गणपति बप्पा ज्ञान का प्रतीक है। सबसे पहले कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले क्या चीज़ होना चाहिए? नॉलेज, ज्ञान कि आप कुछ चीज़ कर रहे हो। आज अगर घर भी लेना है तो आपको उसके प्रति ज्ञान होना चाहिए कि कितना स्क्वायर फीट है, कहाँ पर है, क्या है, किस हिसाब से कितना है, वो सब ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान और ध्यान में ज्यादा अंतर नहीं है। सब कुछ भूलना ध्यान, सब कुछ चीज भूल जाना। आप अगर देखोगे तो ज्ञान का अर्थ ये होता है कि सब कुछ जानना ज्ञान है और सब कुछ भूलना ध्यान है। संपूर्ण श्रद्धा से, तन की शुद्धि स्थान से, मन की शुद्धि ध्यान से और धन की शुद्धि दान से होती है। संपूर्ण श्रद्धा से ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः का जाप करें। हरि ओम सुमुखस्य करंतस्य ओम नमो गणेशो गणपतिः सर्वो नमो नमो भ्रातृभ्यो भ्रातापतिभ्यः सेवा सर्वकार्येषु सर्वदा पूर्वसंजम गणपतये नमः सिद्धिविनायकमूर्तिः सिद्धिसहित गणाधिपतिः है। और उसके बाद पूरे बॉडी में कोई प्रकार की अपवित्रता है वो नहीं। अपवित्रता का मतलब होता है कि 6 जात के दुश्मन अपने हैं, काम क्रोध मोह लोभ मत्स्य और माया, वो सब चीजें निकले। और अभी यहाँ पर आप अभिषेक के लिए तैयार हुए हो ब्रह्म। अब यहाँ पर आपके पास दूध दही घी शक्कर मद सब कुछ चीज है। तो पंचामृत से स्नान करवाना है। उसके बाद शुद्ध जल में गंगा जल है और रोज वाटर भी है और अलग अलग पवित्र जल भी है, तो उससे हम शुद्ध जल से स्नान करें। उसके बाद जो है दूध का अभिषेक स्टार्ट, ठीक है। स्वस्ति ना भूखा विश्ववेदा आकु करे जी। स्वस्ति नस्तार क्षो अरिष्ट नेमी एम ने जी जो पाचे। स्वस्ति नस्तार क्षो अरिष्ट नेमी स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ुगंतन्नो अस्तुत्रुगम ओम अग्निरी भस्म वायुरी भस्म जलमीति भस्म स्थलमीति भस्म व्योमीति भस्म सबकूद भस्म मन ओम जनान हंत्वा गणपति को हवामहे, प्रियान हंत्वा प्रियपति को हवामहे, निधि हंत्वा निधिपति को हंतुत्वा सहस्तु महासहस्रं दश आवृतः दश प्रवारिकया हस्तजै व्यापापूर्वे कण्डा वर्षधीरा अन्वो येन गर्भाण्य पशु मन्दर व्रतं व्रजासु यजमान हरिजेके ृंग्रीवे सप्ताय अवजन पशो जगने जगनाय झंद देवास्तामहे सुगंधि रुद्रशिवाघोरा पाप काशिने नमो दृष्टाय च प्रवृषाय च नमो
ಸ್ತನುಕಾಯ ತನಯಾಯ ಮೃಡಾಕ್ಷೇ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಾಗೇಶ್ವರ ಶಿವ ನಾಗೇಶ್ವರ ಹರ ಹರ ಭೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಾಗೇಶ್ವರ ಶಿವ ನಾಗೇಶ್ವರ ಭೋಲೆ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಜಗದೇವ ಶಂಕರ ಕರ್ಮ ತೂ ಹಿ ಜಾನೆ ಕ್ಯಾ ಬುರಾ ಕ್ಯಾ ಭಲಾ ಹೇ ಭಾಯ್ ಬೇಟಾ ಆ ಹಾತ್ ಲೇ ಲ್ಯಾ ತಾರು ಧೋಚ ಚು ಲೇ ಲ್ಯಾ ಬೋಲಿ ಭಾಯು ಮಹಾರಾಜ ಕಾ ಧೋತಿ ಬೋಲಿ ಕಿದರ ಹಿ क्या बिचारा, वो बिचारा कुछ नहीं है आपको लगता है सर बारिश में कुछ हर हर महादेव रुद्राभिषेक हो चुका है और पंडित जी ने बहुत अच्छा पूजा करवाया है। बहुत अच्छा लगा और सब भोजन कर रहे, इसके बाद भजन होने वाला है। भजन मंडली वाले हमें देख रहे हैं क्या क्या उठे तो बैठेंगे यहाँ पे इंतजार करने वाली हूँ। सुबह 4 बजे मैं इनका आखिरी प्रहर में जल चढ़ा के फिर खाना खाऊंगी। और सब जा चुके हैं, आप देख सकते